शिवपाल जी कहीं लोकदल से या इंडिपेंडेंट पर्चा भर देते तो उनके खिलाफ तेजू की मम्मी पर्चा दाखिल करने के लिए उनका खरीद लिया गया था दो जाता। ये जो हमला हुआ है मैं समझता हूँ अखिलेश यादव की तरफ से और किसी की तरफ से नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को फूटिया को नहीं दे। अगर भविष्य में सपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होगा तो फिर आप अगर जीत जाते हैं तो आपका क्या रहेगा? नहीं, अगर सपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल का तो अलग बात है, वो तो अलग बात, हम अगर जीत जाते हैं उसमें तो शामिल होगे तो उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं भाई। हमारे विचार जो हैं, तुम मुझे कैद करो या मेरी जुबा काटो, मेरे ख्यालों को बेड़ी नहीं पहना सकते। हम तो भाई संघर्ष से पैदा हुए, हम किसी की दखवा नहीं, ना हमको वरासत में मिली है, जिस तरह अखिलेश यादव को वरासत में मिला, मुझे वरासत में नहीं राजनीति मिली, मैंने संघर्ष करके लिया। मेरे बड़े भाई की हत्या हुई, मैंने बराबर मुसलसल लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद हमने 3 बार हमें मिले हुए हैं और चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ने मेरा टिकट न काटा होता तो मैं 110% MLA, हमको मेहनत ही न करनी पड़ती, परंतु हम चुनाव इसलिए लड़े कि अखिलेश ने मुझे पता करके बगैर बताए मेरे साथ धोखा करते हुए मेरा टिकट काटा, टिकट अनाउंस नहीं किया, टिकट काटा। तब मैंने उनके चैलेंज को स्वीकारा है और मैंने उनके दांत खट्टे कर दिए। सरकार मेरे खिलाफ, अनुराग यादव कुछ नहीं, नथिंग, उसका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं, ये तो अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे थे मेरे खिलाफ। सरोजी नगर में आप किससे फाइट है? अब कोई कहीं लड़ रहा, कोई कहीं लड़ रहा, हम क्या बताएं, हम तो सब जगह नहीं थे, जहाँ जहाँ गए तो कहीं कोई आगे है कोई पीछे है, कोई आगे है कोई पीछे है। पहले अनुराग यादव को हमने हरा दिया, अखिलेश यादव को हमने हरा दिया, सीधी बात। तो ये थे हमारे साथ सपा के पूर्व मंत्री, इस समय राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी हैं और बहुत संघर्षशील और कद्दावर नेता रहे हैं क्षेत्र में, और अखिलेश यादव से बगावत करने वाले पहले ऐसे मंत्री हैं जो सरोजी नगर विधानसभा सीट से अपना राष्ट्रीय लोकदल से पर्चा भर के प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं मैदान में।